हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, जो हर साल वायरल क्वेश्चन होते हैं, इस साल जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। 100% यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, बस आपको ये प्रश्न देखने हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 के, जो बहुत ही विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि हम कौन से चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे वो 5 नंबर के हों, चाहे वो 7 नंबर के, चाहे वो 8, मतलब कोई से भी अगर आपके 4-5 नंबर के देखने के लिए मिलते हैं तो सभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो विद्यार्थी ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन 1 - sin x / cos² dx का मान ज्ञात करना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपका पेपर बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा मैथ का, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप जो मैं आपको आज 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कितने 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इन 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में चले जाते हो तो चैप्टर 7 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। तो देखो ये तो स्मार्ट वर्क हो गया, और जो हार्ड वर्क होता है वो सभी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप स्मार्ट वर्क ट्रिक अपनाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। प्रैक्टिस अगर आपने जब तक नहीं करोगे तो मैथ में अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। तो देखो प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास फलन 1 - tan x / 1 + tan x का x के सापेक्ष क्या करना, समाकलन ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। थर्ड नंबर पे हमारा 1 - cos x / cos x / 1 + cos x dx का मान ज्ञात करना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, यही बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप 95 प्लस ला सकते हैं। देखो चैप्टर 7 बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे फॉर्मूले, अगर इन चैप्टर का आप क्या याद करें, फॉर्मूले किस बेस पे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन के साथ समझना है, क्योंकि आप जब तक इस सवाल को समझोगे नहीं तो बोर्ड परीक्षा में आप भूल जाओगे। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्यूशन के साथ समझना है। ये आपका मैथ के में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर ये तीनों को आप अपनाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में मैथ में आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 - integration 0 - π/2 sin⁴x / sin⁴x + cos⁴x dx का मान ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। देखो ये सवाल आपको प्रैक्टिस करने, सॉल्व करने, इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आप मैथ का पेपर अच्छा देकर आना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज देखना चाहते हैं, तो इन सवालों को आप सॉल्व करिए। अगर आप एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व कर सकते हैं तो उन्हें सॉल्व करिए। ये तो हमारे चैप्टर 7 का, इस हिसाब से आप सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वीडियो को देखें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन sin²x - cos²x / sin²cos dx का मान। ये बहुत ही विद्यार्थी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी सॉल्यूशन चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें, हम आप इसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। और जो विद्यार्थी के पास मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हो गए थे, आप इन क्वेश्चनों को वहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ex / 1 + x / cos² x / ex / dx ज्ञात करो। ये भी बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब आपके पास समय नहीं है, आपको अच्छे से 5 से 6 घंटे मैथ लेके बैठनी है अब, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप ढंग से सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आपको लेकर, इतना टाइम तो आपको मैथ के लिए निकालना ही होगा। आप अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो बोर्ड परीक्षा की अभी से तैयारी करें। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, मैथ का पेपर बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन π/4 - π/4 तो sin²x/dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा बहुत बार पूछा गया है। इन क्वेश्चनों को सभी को आपको सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करनी है और सभी सवाल का पैटर्न याद रखें, क्योंकि पैटर्न किस हिसाब से सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे बोर्ड परीक्षा में कैसे करना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी फिर इन सवालों को भूल भी जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें ये दोनों तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंटीग्रेशन 0 से
वन प्लस साइन इन्वर्स बटे टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, अथवा में हमें इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स इंटू में टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ज्ञात करो। तो इस तरह दोनों तरीके से आपको ये सवाल देखने के लिए मिलेगा और ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को आप सभी से अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सके। देखो 95 प्लस लाना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में हमें किस तरीके से करना है। देखो एनालाइज भी हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको मैथ की कॉपी भरने के लिए बहुत ज्यादा कॉपी भरनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला पाएंगे। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व, देखो आपको खाली एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, उससे समझिए किसी तरीके से आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो करें, तभी आप बोर्ड परीक्षा में ये पता चल पाएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को याद करके गए हैं, जिससे कि नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें वह गलती ना करें। तो अभी आपके पास समय है, आपने दो पेपर हिंदी इंग्लिश के दे चुके हैं, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बटे टू एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स याद करो, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये हमें चार नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद करने, प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन अगर आप याद नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं आता, तो कम से कम इसे सॉल्व करके रट सकते हो, जिससे कि आप सवाल में प्रैक्टिस करें। देखो रटना होती है कि आप भूल भी जाओगे, लेकिन आप रटो मत ना, उसे पैटर्न समझो ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है, क्योंकि जिससे आप सॉल्व पता चल जाएगा ना कैसे सॉल्व होता है, ये आप लाइफ में नहीं भूलोगे किस तरीके से हमें ये करना है सवाल। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो सवाल मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लिया होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई एक्स और डी एक्स ज्ञात करो। तो ये भी बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयारी कर लो, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर टू एक्स बटे में कोट एक्स माइनस का टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो ये भी बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप तैयारी अच्छे से करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लेके आओगे। देखो 95 लाना, मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना। इससे ये मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको एनालाइज हो जाए कि बोर्ड परीक्षा में किससे किससे पर्सन मिलते हैं, देखने के मिलते हैं, तो आपको सभी पर्सन को तैयार कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट पर्सन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर्सन हमारा इंटीग्रेशन 1 बटे लॉग एक्स माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 का मान क्या करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देखो आप सभी पर्सनों का क्या करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस एक जगह लिख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, हमें ये प्राइज हो जाएगा कि हमें बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जो होगा वो हमें 95 प्लस नंबर दे सके। आपको देखो एक गोल सेट करना है, अगर जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है। गोल सेट करने से ये मतलब होता है कि आपको टारगेट बनाना है कि हमें इतना लाना है, 95 प्लस लाना है, उस हिसाब से आपको टेबल बनाना है कि हमें इस हिसाब से पढ़ना है। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये जरूर रखें कि चैप्टर को हमें कब सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर लिंक देखें, वो सभी क्वेश्चन देखना, वो उसमें पैटर्न समझना, उस तरीके पैटर्न समझ के आप बोर्ड पर 95 प्लस ला सकते। देखो ये सभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बहुत पूछा जाता है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बटे 2 लॉग टू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, प्रूफ करने की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रूफ करने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ले आएंगे। देखो डिजिट चेंज होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में डिजिट चेंज नहीं होती है, तो प्रूफ करने वाले ये इसी तरीके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें डिजिट चेंज करने वाले हो तो उसके पास डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन इन सवालों में डिजिट चेंज नहीं होती है। तो आप क्या करना है, इन सभी सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लेके आना है। देखो मेहनत करोगे, गोल्स बनाओ और किस तरह से सॉल्व होता है वो करो, और किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है वो करो, आप इन सभी चीज को करके ही 95 प्लस ला सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 4x और dx इक्वल टू माइनस पाई बटे 4 लॉग 2, तो सिद्ध करना है। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अथवा हमें दूसरे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट x प्लस 1 एक्स 1 बटे एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई लॉग 2 ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पाई बटे लॉग 2, ये भी बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, देखो बोर्ड परीक्षा में आपको 95 प्लस लाना है, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करें, तैयारी करें, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ले आएंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बटे 4 लॉग 2,
तो ये भी इस तरीके साइन टू थीटा साइन टू एक्स भी देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, साइन टू थीटा डी थीटा के हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये भी वही पैटर्न, अगर आपने इस तरीके सवाल सॉल्व कर रखे होंगे तो आपको पता होगा ये सवाल किस तरीके सॉल्व होता है, तो वही पैटर्न है आपका। तो आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे वन प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो सभी इंपॉर्टेंट आठ आठ नंबर के क्वेश्चन है, ये सभी आठ नंबर के पूछे जाते हैं, जो भी मैंने आपको बताया ये सभी आठ नंबर के, तो आपको तैयारी करनी है तभी आप आठ नंबर ला पाओगे। तो टोटल हमारे जो सेवन चैप्टर सेवन से होते हैं, कम से कम हमारे 25 से लेकर 30 नंबर इसमें से देखने के लिए मिलते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है, मैंने चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लेके आ जाओगे। मैं आपको नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इंटीग्रेशन डी एक्स रूट में 3x² प्लस 13x माइनस 10। तो ये बहुत पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित और भी सवाल देखने को मिलेगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करो, लेकिन इन सवालों को तो 100% आपको सॉल्व करके जाना है, क्या 100%, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी आठ नंबर के, मैंने आपको सभी चैप्टर 7 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि और भी विद्यार्थी 95 प्लस लेकर आ सकें।